हाय स्टूडेंट्स, बारीकॉट क्लासेस के थ्योरी ऑफ मशीन विषय की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 में गतिपाल पहिया अर्थात फ्लाईव्हील को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं फ्लाईव्हील की संरचना को। ये है हमारे पास फ्लाईव्हील की संरचना। फ्लाईव्हील की संरचना में यह एक विशेषता होती है, इसका जो मैक्सिमम द्रव्यमान होता है, जो इसका मैक्सिमम मास होता है, वह इसके घेरे पर होती है अर्थात परिधि पर होता है। और जितना हो सके हम यही कोशिश करते हैं कि इसके परिधि के अंदर द्रव्यमान नगण्य मात्रा में हो इसके परिधि के मुकाबले। तो इस तरह संरचना बनाते हैं। बाहरी परिधि को हम घेरा बोलते हैं, रिंग, और बीच वाली आकृति को हम हब कहते हैं। और यह जो है यह आकृति कहलाती है हमारी भुजा, जो हब और परिधि को, घेरा को एक दूसरे से जोड़ती है। सबसे पहले समझेंगे फ्लाईव्हील होता क्या है। तो फ्लाईव्हील एक ऐसी मैकेनिकल युक्ति है जो एनर्जी रिजर्वायर के रूप में मशीनों में कार्य करती है। एनर्जी रिजर्वायर अर्थात ऊर्जा को संचारित करने का एक माध्यम, ऊर्जा को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। यदि हम देखें इंजन के केस में, तो इंजन के केस में मुख्य रूप से जो एनर्जी मिलता है हमें किस चक्र में मिलता है, वो हमें मिलता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हमको जो एनर्जी प्राप्त हो रहा है इंजन में, और इंजन में एनर्जी मिलता है हमें इग्निशन स्ट्रोक में, उस स्ट्रोक में मिलता है जिस स्ट्रोक में इंजन के दहन कक्ष में, कम्बशन चैम्बर में, हवा और फ्यूल के मिश्रण का दहन होता है, कम्बशन होता है। उसी दौरान इंजन को मुख्य रूप से ऊर्जा मिलता है। बाकी जो 3 स्ट्रोक होते हैं पावर स्ट्रोक के अलावा, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो इन स्ट्रोक के दौरान इंजन को मुख्य रूप से ऊर्जा नहीं मिलता है। उसे मुख्य रूप से ऊर्जा किसमें मिलता है, कंबशन स्ट्रोक अर्थात पावर स्ट्रोक में। और पावर स्ट्रोक से मिली हुई ऊर्जा को हमारा फ्लाईव्हील उसको स्टोर करता है, उस एनर्जी को अपने पास स्टोर करता है, कंजर्व करता है। और बाकी के जो 3 अलग आघात हैं, जो अलग 3 स्ट्रोक हैं, उनके क्रिया के दौरान वह ऊर्जा उन्हें ट्रांसफर करता है इंजन के गति को नियत बनाए रखने के लिए, औसत गति पर बनाए रखने के लिए। तो यह मुख्य कार्य होता है हमारे फ्लाईव्हील का। और फ्लाईव्हील मुख्य रूप से किसका बनता है, तो फ्लाईव्हील हम मुख्य रूप से ढलवा लोहे का बनाते हैं, क्योंकि ढलवा लोहे का जो भार होता है वह अन्य लोहे की अपेक्षा अगर हम देखें उसके वॉल्यूम के हिसाब से तो ज़्यादा होता है। और इसे किसी भी तरह की विषम आकृति में आसानी से ढाला जा सकता है। तो हम मुख्य रूप से ढलवा लोहे का फ्लाईव्हील बनाते हैं। किसी किसी छोटे मशीनों में फ्लाईव्हील का उपयोग हम डिस्क के रूप में, चक्की के रूप में करते हैं। आइए अब हम कैलकुलेट करेंगे गतिपाल पहिए के भार को, अर्थात हम जा रहे हैं गणना करने गतिपाल पहिए के वेट को। तो गतिपाल पहिए के भार को निकालने से पहले हम कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे, जिनमें से प्रमुख तथ्य है कि गतिपाल पहिए के अधिकतम गति को हम दिखाएंगे ओमेगा 1 से, गतिपाल पहिए के न्यूनतम गति को हम दिखाएंगे ओमेगा 2 से, और आई है गतिपाल पहिए का जड़ता गुण अर्थात जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण या जड़ता गुण का फॉर्मूला होता है I=mk², जहां m क्या है, स्मॉल m है गतिपाल पहिए का द्रव्यमान, और k है गतिपाल पहिए की गुणन त्रिज्या। और गुणन त्रिज्या क्या होती है, गतिपाल पहिए के सेंटर से उसके परिधि तक की लंबवत दूरी, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन अर्थात स्मॉल k। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। एक और वैल्यू हमारे पास है, वो है कैपिटल N, और कैपिटल N किसको दिखाता है, यह दर्शाता है गतिपाल पहिए के औसत चाल को। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि गतिपाल पहिया क्या करता है, जो एनर्जी में उच्चावचन हो रहा है, जो ऊपर नीचे की गति हो रही है, उसको क्या करता है, उसको कम करता है। और किस माध्यम से करता है, तो वह गतिपाल पहिया एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करता है और बाकी के चरणों में, बाकी के स्ट्रोक के दौरान उस ऊर्जा को विमुक्त करता है, देता है, ट्रांसफर करता है, और कोशिश करता है कि इंजन का जो गति है, जो चाल है, वो औसत गति के आसपास रहे।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं यन क्या है, मान लेते हैं यन है गतिकाल पहिए की औसत गति आरपीएम में। अब हम बात करेंगे गतिकाल पहिए के लिए औसत कोणीय वेग का मान, जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं। औसत कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, ये होगा ओमेगा का इक्वेशन होता है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, 2π n / 60, ये होता है रेडियन पर सेकेंड में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि औसत कोणीय वेग क्या होगा, यह होगा 2π n, जहां n क्या है गतिपाल पहिए का औसत चाल आरपीएम में, और 60 है लिया गया समय अर्थात सेकेंड, हम एक सेकेंड के लिए गणना कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने निकालना है औसत कोणीय वेग, और औसत कोणीय वेग को एक और इक्वेशन से दिखा सकते हैं। जैसे बताए हैं कि गतिपाल पहिए का अधिकतम कोणीय वेग कितना है ओमेगा 1, और न्यूनतम कोणीय वेग कितना है ओमेगा 2, जब इनका हम मीन ले लेंगे तो वह भी क्या कहलाएगा, वह भी कहलाएगा गतिपाल पहिए का औसत कोणीय वेग। तो हम ओमेगा को एक और इक्वेशन से दर्शा सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वेशन हो गया हमारे लिए औसत कोणीय वेग का, इस तरह से हम इसको दर्शा देंगे। अब हम फाइंड करेंगे किसी भी कोणीय वेग पर गतिपाल पहिए द्वारा उत्पन्न की गई गति ऊर्जा को, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, किसी ओमेगा कोणीय वेग पर गतिपाल पहिए द्वारा उत्पन्न की गई गति ऊर्जा का मान होता है E = ½ जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, जिसे हम लिख सकते हैं E = 1/2, और जड़त्व आघूर्ण कितना है कोणीय, ये हो गया जड़त्व आघूर्ण हमारे लिए गतिपाल पहिए का हो गया I, और इसका कोणीय वेग कितना हम बताएं, आपको पहले बताया है कोणीय वेग कितना है ओमेगा, हम लिख लेंगे ओमेगा का स्क्वायर। परंतु हम फाइंड करेंगे इस गतिपाल पहिए के न्यूनतम गति पर गति ऊर्जा और अधिकतम गति पर गति ऊर्जा। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे न्यूनतम कोणीय वेग पर इस गतिपाल पहिए की ऊर्जा, तो ये कितना होगा, तो हम इसको लिख लेते हैं कि न्यूनतम, ये वैल्यू होगा हमारे पास न्यूनतम कोणीय वेग पर, न्यूनतम कोणीय वेग पर गतिज ऊर्जा, ये हम फाइंड करेंगे गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम कोणीय वेग पर, और इसे हम दिखाएंगे E1 से, और ये वैल्यू कितना होगा हमारे लिए, E1 = होगा, बताए हैं फॉर्मूला कि 1/2 जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण कितना है गतिपाल पहिए का I, और न्यूनतम गति पर न्यूनतम कोणीय वेग पर हम निकाल रहे हैं, इसलिए ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे, रखेंगे हम लोग ओमेगा 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार हम लिखेंगे अधिकतम कोणीय वेग पर गति ऊर्जा, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन एक। दूसरा इक्वेशन होगा अधिकतम गति पर अधिकतम कोणीय वेग पर, तो जाएगा E2 = 1/2 I ω2 का होल स्क्वायर। इस तरह से E1 का वैल्यू हमको पता चल गया और E2 का वैल्यू हमको पता चल गया। अब हम फाइंड करेंगे दोनों गतिज ऊर्जाओं का अंतर, अर्थात पूरी क्रिया के दौरान फ्लाईव्हील ने ऊर्जा में कितना उतार चढ़ाव किया है, हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे, अपने इक्वेशन को समझेंगे E1 - E2, और इसको लिखेंगे, और E1 - E2 क्या होगा, ये होगा गतिज ऊर्जा में उतार चढ़ाव, ये वैल्यू होगा गतिज ऊर्जा में उतार चढ़ाव। उतार चढ़ाव वाले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, और इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, E1 - E2, और हम जानते हैं E1 का वैल्यू कितना है, ½ I ω1² - ½ I ω2² अब हम क्या करेंगे, इसमें से ½ I हम कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ½ I, और ω1² - ω2² ये हमारे पास देखिए इक्वेशन हो गया। और ये फार्मूला कौन सा है, ये A² - B² का फार्मूला है, और इसको हम A² - B² के फार्मूले को सॉल्व करेंगे, तो होता है A + B और एक ब्रैकेट में A - B, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे लिए 1/2 I, और इस तरह लिख लिया हमने ω1 + ω2, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख लिया ω1 - ω2, इस तरह से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया है। और एक फार्मूला हमने आपको पहले बताया था, वो बताया था कि कोणीय औसत
कोणीय वेग कितना होगा उसको दिखाते हैं, ओमेगा से वैल्यू कितना होता है, ये होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। और देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं, इस तरह देख सकते हैं ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो हम देख रहे हैं कि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कितना होता है 2 ओमेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाई 2 आई इंटू 2 ओमेगा इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। इस तरह से हमारे पास हमको एक फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं फ्लाईव्हील में होने वाले ऊर्जा के उतार चढ़ाव का वैल्यू, अर्थात फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो ये होता है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा, इसे हम ईएफ से दर्शाएंगे। और हमने अभी वैल्यू फाइंड किया है ई1 माइनस ई2 का कितना था, हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2। इस तरह से हमारे पास वैल्यू था। अब हम क्या करेंगे, हम आपको शुरू में बता चुके हैं कि एक इक्वेशन होता है हमारे लिए ओमेगा का, जिसे हम ओमेगा का लिखते हैं 2 पाई एन डिवाइडेड बाय 60। इस तरह से लिखेंगे तो हम ओमेगा का जहाँ जहाँ भी वैल्यू है ओमेगा वहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2 पाई एन बाई 60। इसको सॉल्व कर लेंगे हम सबसे पहले, जहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू आई और ओमेगा 2 ओमेगा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू ओमेगा का वैल्यू यहाँ डायरेक्ट रखेंगे 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। दूसरा हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखेंगे 2 पाई एन डिवाइडेड बाई 60। तो एन की जगह हो जाएगा एन 1 और ये जाएगा 2 पाई एन 2 डिवाइडेड बाई 60। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि तो इस इक्वेशन में आई का वैल्यू हम चेंज करेंगे 2 पाई एन और पाई का वैल्यू रख के इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम पूरी तरीके से मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आता है वो आता है फ्लक्चुएशन इन एनर्जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 900 एम के स्क्वायर, जो वैल्यू है आई का, इंटू एन इंटू एन 1 माइनस एन 2। और इस तरह से हम फ्लक्चुएशन फाइंड कर लेंगे अपने फ्लाईव्हील में।